मेरी वजह से उन बच्चों को कितनी चोट पहुंची होगी, कितना दर्द हो रहा था उन्हें, और मेरी वजह से किसी बच्चे को चोट लगी, ये मैं कभी सहन नहीं कर सकता। ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? और मेरी गलती तो थी नहीं, तो मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं हूँ कोई और किसी और की जिंदगी जी रहा हूँ। कैसे आई? और ये इतने सारे नारियल नीचे कैसे आ गए? अपने आप गिर गए, बस मैंने ऐसे हाथ मारा। और गिर गए। हाँ? सिर्फ ऐसे हाथ मारने से ये इतने सारे नारियल कैसे गिर सकते? देखो ना, मेरा देवा कितना भोला है। अब ये नक्कीस इसकी शरारत है, बड़ा नटखट है ये। नटखट परी की तरह। नटखट परी? ये नटखट परी कौन है? नटखट परी, देखो ना कितना भोला है मेरा देवा, परियों की बातें करता है। नहीं तो आप हमेशा इससे पुलिस की तरह सवाल जवाब करते रहते हो। ये नटखट परी कौन है, और मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं उन्हें जानता हूँ? आओ देवा, घर चलते। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, पर जो भी हो कोई असाधारण बच्चे हो। ओए मानवानी। ओ जी सर। पूरे शहर में इतनी सी भी जमीन नहीं बची और जहां मैं अपना हैप्पी अपार्टमेंट और हैप्पी टावर खड़ा कर सकूं। नहीं सर, ताला है। हाँ ताला है ना सर जी, एक मिनट देता हूँ। तो लगा दे इस ऑफिस में और बंद करो इसको। और तेरे ऐसे निकम्मे पाले हुए, इतना बड़ा ऑफिस खोला हुआ है, बंद करो बेवकूफ। पापा जी। ओए मेरा बेटा, और तेरी उम्र हो गई ऑफिस आने की, खेलने नहीं गया आज? गया तो था पर भगा दिया उसने। ओए कौन है जिसने हैप्पी सिंह के पुत्र को भगा दिया? ओए जयवीर। जयवीर ने भगा दिया? मगर बेटा मैंने तो सुना है कि वो बड़ा ही अच्छा है, बच्चों का दोस्त है। नहीं वो बच्चों का दोस्त नहीं है, वो बिल्कुल भी बालवीर की तरह नहीं है। उसने हमें बहुत ज्यादा परेशान किया, वो बहुत गंदा है। उसने हमें ना हवा में उड़ा दिया। अच्छा, वाह। हाँ, पापा जी। ओ नहीं बेटा नहीं, तू टेंशन ना ले, सीधा यहाँ से कार जा, बढ़िया परांठे खा, मैं उसको ठीक करके आता हूँ। जा बेटा जा। जा मेरे बेटा। ओए मानवानी, ओए लड्डू बटवा, ओए पूरे ऑफिस में। ऑफिस में ताला लगने की खुशी में? ओए बेवकूफा, ओए हमारी किस्मत के ऊपर जो ताले लगे हुए हैं ना, वो खुलने की खुशी में। ये ले, ये ले। ये तो पूरे ही है। एक काम कर, पहले 10 रुपये जाके सबको लड्डू खिला दे, और पूरे स्टाफ को कह दे कि बालवीर की वजह से हमारे जिन जिन पार्कों की बिल्डिंग के काम रुके हुए थे ना, उन सबको स्टार्ट करा दे। अब आएगा मजा बिल्डिंग बनाने में। और नहीं ओए, गिराने में, क्योंकि मैं सबसे पहले उस डगली फैमिली के घर को गिराऊंगा, वहां पे शॉपिंग मॉल बनवाऊंगा। बड़ा मजाक उड़ाया था ना उन्होंने मेरा बालवीर के साथ मिलके, मधुमक्खी बनाया था ना मेरे को। अब जब उनका कार नहीं होगा तो कहां रहेंगे? सड़क पे रहेंगे वो, सड़क पे, क्योंकि बालवीर भी है नहीं अब तो बचाने के लिए। बहुत बुरी तरह से फंस गई है हम सब। अब हमें अपना सारा जीवन उस भयंकर परी की दासी बनकर ही बिताना होगा। हाँ, हमारे परीलोक को भयंकर परी से कोई नहीं बचा सकता, और वैसे हमारे सुंदर परीलोक को भयंकर परी ने काला भयानक लोग तो बना ही दिया है। पता नहीं अब अच्छाई और सच्चाई का सूरज कब उगेगा। बालवीर के अलावा रानी परी हमारी मदद कर सकती थी। बुराई का अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, परी अच्छाई और सच्चाई की
जरा सी रोशनी काफी होती है उसे मिटाने के लिए। हाँ परियो, आप सबको अच्छाई और सच्चाई पर से अपना विश्वास खोना नहीं चाहिए और ना ही हिम्मत हारनी चाहिए। हिम्मत ना हारे तो क्या करे बाल परी? बालवीर के अलावा रानी परी हमारी मदद कर सकती थी, पर अब तो दोनों हमारे साथ नहीं है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, हम यहाँ से निकल के रानी परी को पावन नदी से आजाद करवाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन कैसे नटखट परी? भयंकर परी ने हमारे परी लोग से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। नहीं, सारे रास्ते बंद नहीं हुए। परियो, आप सबको शायद पता नहीं, लेकिन अभी भी परीलोक से बाहर निकलने के कई सारे गुप्त रास्ते। गुप्त रास्ते? सच बाल परी, कहाँ है वो रास्ते? यही है, हमारे आसपास ही है। आइए हम आपको दिखाते हैं। सब पर ऐसे अचानक हुए हमले से बचने के लिए परीलोक में ऐसे कई सारे गुप्त रास्ते बनाए गए हैं। लेकिन बाल परी, हम सब इस रूप में तो इस छोटे दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकते। इसमें से जाने के लिए तो हम सबको भी छोटा होना पड़ेगा। पर ये सब बिना जादू शक्ति के संभव नहीं होगा बाल परी। और हमारी जादू शक्तियां भयंकर परी हमें कभी वापस नहीं देगी। लेकिन भयंकर परी मुझे तो मेरी शक्तियां दे सकती है ना? नाराज परी, बच्चे जब उदास होते हैं तो घर भी पूरा उदास हो जाता है ना सुधा? हाँ महेश, हमें बच्चों के मूड को बदलने के लिए कुछ करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, बच्चों का मूड बदलने के लिए घर में कुछ बदल देते। हाँ, लेकिन क्या बदलेंगे? महेश, मुझे बदलने की बात कर रहे हैं? हाँ बापूजी, इनके बदले में क्या मिलेगा? स्मिता, तुम मुझे बदलने की बात कर रही हो? कमाल स्मिता, तुम्हें मेरे बदले में कुछ सामान चाहिए? अरे झगड़ना बंद करोगे? मैं टीवी की बात कर रहा हूँ। बाबूजी, टीवी क्यों चेंज करना है आपको? टीवी तो अच्छा चल रहा है। अरे मैं टीवी बदलने की बात नहीं कर रहा हूँ, चैनल बदलने की बात कर रहा हूँ। एक का एक न्यूज देख के मेरा दिमाग खराब हो गया है। तो आपका दिमाग चेंज कर दें। मेरे दिमाग में एक बात आई है कि हम हमारा घर पेंट करते हैं। वैसे भी काफी समय से घर पेंट नहीं किया है ना। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। नए चमकते रंग देख कर शायद बच्चे खुश हो जाए। येलो कलर कर दे, पीला येलो है? नहीं तो ब्राइट ब्लू। अरे ब्राइट भी थोड़ी ना अच्छा लगेगा। हम एक काम करते हैं, पिंक कलर कर लेते हैं। अरे क्या हमेशा पिंक, हमेशा थोड़ी पिंक अच्छा लगता है। अरे लेकिन ब्लू भी तो अच्छा लगता है। अरे तुम दोनों ने फिर से झगड़ना शुरू किया। मेरे कहने का मतलब है कि हमको इस घर को कलर ही नहीं करवाना है। लेकिन क्यों बापूजी? क्योंकि अभी हम इस घर पे पैसे खर्च नहीं कर सकते। बेटा तुम्हें तो मालूम है, तुम्हारी माँ की जब तबीयत खराब हुई थी तब इस घर पे हमने कर्जा लिया था, तो उस कर्जे से इस घर को मुक्त करना है और इस घर को अपना बनाना है। क्योंकि मैं हमारे सात सच्चों के परिवार का घर किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। अब बाल भी नहीं है तो जयवीर हमें पार्क में भी खेलने नहीं देगा। हाँ, और अगर हम दोबारा गए वो हमें और भी परेशान करेगा। पर करे भी तो क्या करे, कैसे रोके हम बिना बालवीर के उस जयवीर को? हाँ, और वो जयवीर भी सिर्फ रानी जैसे भूले बच्चों का साथी है। काश बालवीर वापस आता। हाँ, फिर वही सबक सिखाता उस जयवीर को। रहने दो, अब ऐसा सोचकर क्या फायदा, अब बालवीर हमारे पास वापस कभी नहीं आएगा। अगर बालवीर आ सकता था तो वो हमारा इतने
का। हाँ, हमारा मित्र बालवीर अब नहीं आएगा कभी हमारी रक्षा करने के लिए। नरासपरी ने हमारी सारी बातें सुन ली है और अब ये विश्वासघाती जाकर भयंकर परी को हमारे गुप्त रास्ते के बारे में बता देगी। हाँ, इनके लिए तो ये बहुत अच्छा मौका है भयंकर परी की नजरों में ऊपर उठने। बताने दीजिए परी, और हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता नरासपरी, क्योंकि हम सब अच्छाई और सच्चाई के साथ हैं और उसे बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। नरासपरी, आज हमारे पास हमारी शक्तियां होती तो एक पल भी नहीं लगाते आपको सजा देने में। नहीं बालपरी, सजा तो हमें मिलनी चाहिए इस विश्वासघाती पे विश्वास करने के लिए। इसे अपना माना और अपना साथी समझा। बालवीर ने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे प्राण बचाए, तुम्हें अच्छा और सच्चा बनने का एक और मौका दिया, और तुमने क्या किया? तुमने आज ये साबित कर दिया है कि तुम्हारे ऊपर चढ़ी ये बुराई की कालिक अभी तक साफ नहीं हुई और ना कभी होगी। आपने अपने अच्छे होने की इतनी बड़ी बड़ी बातें की, सच्चाई का साथ दिया, भयंकर परी को समाप्त करने के लिए हम सब परियों का साथ दिया, लेकिन अब जब भयंकर परी वापस आ गई है तो इतनी जल्दी इतनी आसानी से आप सब कुछ भूल गए? नहीं बाल परी, ना ही मैं कुछ भूली हूँ और ना ही मैं बदली हूँ। आज भी मैं आप सबकी साथी परी ही हूँ। हाँ परियों, मैं आज भी सच्चाई और अच्छाई के पक्ष में ही हूँ, बुराई के नहीं। अगर ऐसी ही बात है नाराज परी, तो फिर आप भयंकर परी का साथ क्यों दे रही है? मुझे भयंकर परी का साथ देना पड़ रहा है बाल परी, मैं मजबूर हूँ। मैं उसका साथ इसीलिए दे रही हूँ ताकि मैं उसकी चाल को समझ सकूं, उसके खेल को जान सकूं, ताकि सही समय आने पर मैं आप सबकी मदद कर सकूं। और मुझे लगता है कि आज वो सही समय आ गया है आप सबकी मदद करने का। रुक क्यों गए तुम मानो? वो मेरी शूलेस खुल गई है, मैं अभी इसे बांध लेता हूँ। ये तेरे आई ने सामान की यादी दी है, वो फ्रूट्स की दुकान से ले लेना, तब तक मैं मछलियों की पेमेंट लेके आता हूँ, ये ले। हा? अरे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इन बच्चों को जानता हूं। लगा मुझे अचानक ऐसा क्यों कि है जैसे बालवीर यही कहीं हमारे आसपास। देवा, वो मैं कैसे कहूं कि मुझे लगा कि है मेरा मित्र बालवीर यही कहीं, क्योंकि जान लेता हूं मैं अपने मित्र बालवीर को उसकी खुशबू से ही, पर अगर है बालवीर यही कहीं तो आता क्यों नहीं हम सबके सामने? चलो कि यहां ही खड़े रहेंगे। हाँ चलो,
चाहिए मुझे एक बार देखना, सुननी चाहिए मुझे मेरे दिल की आवाज, शायद हो सचमुच बालवीर यही कही। अरे बलू क्या हुआ, आना। मानो वानी तुम दोनों घर जाओ, अब मैं चाचा से मिल के आता हूँ। पर बलू जल्दी आना। हाँ चल। स्वादिष्ट लड्डू। चलो उधर करो पंखे की हवा। बराबर से हाको पंखा। प्रधान। हाँ प्रधान बनने का मजा ही है कुछ और। चलो डुबा डुबाओ, है हो गया समय तुम्हारे प्रधान के जाने का, विश्राम करने का। चलो करो पंखे की हवा अपने प्रधान को। तो कर क्या रहे थे इतनी देर से? मेरा मतलब है आप, चला जोर से करो पंखे की हवा अपने प्रधान को। ठीक है करता हूँ तेज। बहुत खूब। शैतान चीन, अरे उड़ा क्यों रही हो तुम मुझे? अरे डुबा डुबाओ, अरे बचा लो अपने प्रधान को, उतारो मुझे नीचे। ए चील चील उतारो मुझे नीचे। मेरी प्यारी चील, परीलोक के इस भयानक रूप में तुम्हारा स्वागत है। आज तुम्हारे यहाँ आने से पूरा परीलोक मुझे भयानक लोक की तरह लग रहा है। अरे टूट गई यहाँ मेरी कमर, और कर रही हो आप तारीफ उस मनहूस चील की? अरे बात के क्यों नहीं रखते आप इस बेरहम चील को? तुम अपनी जुबान बांध के रखो तौबा तौबा। जो भी किया इसने ठीक ही किया है, तंग आ गई हूँ मैं तुम्हारे आलसीपन से। जब देखो खाते रहते हो और आराम करते रहते हो। अगर तुमने दोबारा काम चोरी की तो मैं तुम्हें भयानक लोग भेज दूंगी। अब परी भयंकर कर रहा था मैं आपका ही कार्य। तौबा तौबा, मैंने तुम्हें यहाँ आराम करने के लिए नहीं रखा है। है मालूम है रखा आपने मुझे यहाँ राज करने के लिए। क्या मतलब? परियों और डुबा डुबा पे नजर रखने के लिए। हाँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि इतनी आसानी से वो मुझे अपनी रानी परी नहीं मानेंगे, और मेरे खिलाफ कोई ना कोई साजिश जरूर रच रही होंगी।